हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीएक्स गोल्डन सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्ट्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डॉलर इंडेक्स 102.90 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं, तब जो है प्राइस में कॉन्टिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बेरिश है। और दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 103 से 103.20 का जो रेंज है, यह प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 103 से 103.20 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है फिर से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन दिख सकता है। और दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 102 से 102.20 का जो रेंज है, यह डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 102 से 102.20 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में मेजर डाउनफॉल दिखने वाला है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, आने वाले समय में फेड रेट कट करने वाला है। और दोस्तों, क्योंकि यूएस में रिसेशन का खतरा दिख रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों, फेड को जल्द से जल्द रेट कट करना होगा। और उसी हिसाब से दोस्तों, अगर आने वाले समय में फेड एग्रेसिवली रेट कट करता है, तब जो है ये गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ बनने वाला है। और दोस्तों, क्योंकि लास्ट 1 वीक से गोल्ड और सिल्वर में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिख रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, और दोस्तों हो सके तो गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही सेफ रहने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव न्यूज़ होता है और उसी हिसाब से वीक डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से गोल्ड और सिल्वर में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिख रहा है और दोस्तों, हायर लेवल से स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। उसी हिसाब से न्यू ट्रेडर्स के लिए एक सलाह है, आप लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को वॉच करते रहिए और हो सके तो कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। तो अगर आप लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट और कमोडिटी मार्केट को ऑब्जर्व किया है, तब जो है दोस्तों, मेजर इकोनॉमीज के स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा, उसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में भी डाउनफॉल दिखा और दोस्तों, बिटकॉइन में भी स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा। सिंगल ट्रेडिंग सेशन के अंदर 10% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल दिखा। और उसी हिसाब से दोस्तों, ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही अनसर्टेन टाइम है और उसी हिसाब से दोस्तों, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग एमसीएक्स सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद एमसीएक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 78,700 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन की तरह आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सिल्वर में डाउनफॉल दिख रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में जो रिसेशन का खतरा दिख रहा है, यह सिल्वर को बहुत ही निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में सिल्वर में और भी ज़्यादा करेक्शन दिख सकता है। दोस्तों, सिल्वर में फिलहाल के लिए
इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही सेफ रहने वाला है। एक सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 79,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। दोस्तों 79,000 के ऊपर 79,700 से 80,000 का जो रेंज है यह सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 79,000 के नीचे 78,500 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों 78,500 के नीचे 78,000 सिल्वर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 79,000 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 79,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तभी जाकर सिल्वर में बाय साइड पे ट्रेड लेना सेफ रहने वाला है। 79,000 के ऊपर 79,700 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट, 79,700 के ऊपर 80,000 बनने वाला है नेक्स्ट टारगेट, और अगर आने वाले समय में प्राइस 80,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 81,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 78,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल पे 78,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 78,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तभी जाकर हम लोग लोअर लेवल पे 77,000 से 76,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। और दोस्तों सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी और सिल्वर मेगा के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग सिल्वर माइक्रो के एनालिसिस से सिल्वर मिनी और सिल्वर मेगा में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग MCX गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गोल्ड 68,700 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों क्योंकि अगस्त का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हो रहा है और इसीलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चार्ट में थोड़ा गैपिंग दिख रहा है। दोस्तों गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 68,950 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों 68,950 के ऊपर 69,200 गोल्ड के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 68,600 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों जब तक प्राइस 68,600 और 68,950 के रेंज के अंदर है तब तक जो है ये बनने वाला है हम लोगों के लिए नो ट्रेड जोन। और अगर आने वाले समय में प्राइस 68,600 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल पे 68,500 के नीचे 68,300 और 68,300 के नीचे 68,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 68,950 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल पे 69,000 के ऊपर 69,200 और 69,200 के ऊपर 69,500 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।